आज उससे मिलने एक लड़की आई थी, पता नहीं उससे उसकी क्या बात हुई, लेकिन उसके जाने के बाद शेखर अचानक वायलेंट होकर दीवारों से सर टकराने लगा। शिंदे ने उसे रोकना चाहा, लेकिन उसने उसी की रिवॉल्वर निकालकर उस पर गोली चलाने की कोशिश की। इसी छीना झपटी में उसके हाथ पर गोली चल गई। What nonsense! This is sheer carelessness. वो लड़की कौन थी? किसने उसे मिलने दिया? ये तो पता नहीं, लेकिन उसके पास डीआईजी ऑफिस से स्पेशल परमिशन थी। तो अब शेखर कहाँ है? हॉस्पिटल में है ना? ऐसा क्यों किया तुमने? तो क्या हम ये मान ले कि जब तुमने देखा कि तुम चारों तरफ से फंस चुके हो, अपना गुनाह कबूल करने के बजाय तुमने अपने आप को गोली मार ली? मैंने कोई खून नहीं किया है, किसी को नहीं मारा मैंने, तो फिर गुनाह का सवाल ही कब पैदा होता है? खुदकुशी भी एक गुनाह है शेखर। तो और क्या करता मैं? सब लोग मुझे खूनी समझते हैं, नफरत करते हैं सब मुझसे। सब कौन? कहीं तुम उस लड़की के बारे में तो बात नहीं कर रहे हो? कौन है वो लड़की? ये जानकर आप क्या करेंगे? यही तुम्हारी प्रॉब्लम है शेखर, तुमने हमसे कभी कोई बात पूरी तरह से नहीं बताई और तुम फंसते गए। याद है पहले दिन हमने तुमसे क्या कहा था? हमारा काम तुम पर शक करना है और तुम्हारा उसे दूर करना। तुमने उस लड़की के बारे में हमें कभी कुछ नहीं बताया और उसी के लिए खुद पर गोली चला ली। उस लड़की का नाम शालिनी है, हम दोनों एक दूसरे को कॉलेज से जानते हैं, एक दूसरे को प्यार करते थे। प्यार करते थे? अब नहीं करते? अब नहीं चाहते। उसे विश्वास है कि राहुल का खून मैंने किया है। वो मेरे पास आई और उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे बहुत नफरत करती है। मैंने उसे बहुत समझाना चाहा, लेकिन वो Stop it, शेखर! तुम्हें मुझ पर कभी विश्वास ही नहीं था। तुम्हें हमेशा लगा कि राहुल अमीन है, वो खेलेगा, मैं उसके साथ चल दूंगी। That's the reason you killed him. शालिनी प्लीज मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना है। You should be ashamed of yourself, शेखर। मानो तुम्हें राहुल पर विश्वास नहीं था, मुझ पर भी नहीं था। दोस्त था वो हमारा, तुम्हारे लिए जान दे सकता था। You killed him. You're crazy. शालिनी प्लीज प्लीज मुझे सफाई का मौका तो दो। मुझे कोई सफाई नहीं सुननी है तुम्हारी। शालिनी तुम्हें क्या लगता है मैं किसी का कत्ल कर सकता हूँ? जब तुम मेरे लिए अपनी नब्ज काट कर आत्महत्या करने की कोशिश कर सकते हो, तो तुम्हारे लिए किसी दूसरे को मारना बहुत आसान है शेखर। You know what? You're crazy. And I hate you. I hate you, शेखर, I hate you. शालिनी रुक जाओ, मेरा दिल नहीं माना शालिनी। शालिनी कम से कम तो मेरी बात का विश्वास करो। शालिनी मैं तुमको मार दूंगा। कहाँ रहती है शालिनी? उसका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं। ये सोचना हमारा काम है शेखर, जस्ट लीव दैट टू अस। बताओ कहाँ रहती हो? अभी भी मुझे यकीन है कि तुम इस कत्ल में शामिल हो। अगर तुम बेकसूर हो तो तुम्हारी ये खामोशी तुम्हें फांसी के तख्ते पर ले जाएगी शेखर। तुम्हें क्या लगता है हम शालिनी का पता नहीं लगा सकते? डीआईजी ऑफिस फोन करो, वहां के रिकॉर्ड से पता चल जाएगा। लेकिन ऑफिसर, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया ऑफिसर? सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। राहुल के केस के बारे में आपसे कुछ बातचीत करनी थी हमें। पर उस केस से मेरा क्या ताल्लुक है? अगर कोई ताल्लुक नहीं है तो आप शेखर से मिलने क्यों आई थी? शेखर राहुल के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार है और ये बात आप अच्छी तरह से जानती हैं। शेखर दोस्त था मेरा। सिर्फ दोस्त था? नो, ही वाज इन लव विद मी। और आप? मैं भी। अब क्यों नहीं? बस यूं ही। आप लोगों को इस सबसे क्या मतलब है मेरी समझ में नहीं आ रहा। मतलब है मिस शालिनी, हमसे नहीं इस केस से जरूर है, बताइए। तो अब आप शेखर से प्यार नहीं करती? क्यों? क्योंकि उसने राहुल को मारा है। एंड राहुल
was a good friend of ours. ये बात तो हमें पता नहीं चल पाई. आप इतनी श्योरिटी के साथ कैसे कह सकती हैं? क्योंकि मैं उन लोगों को जानती हूँ अच्छी तरह से. एक मिनट मिस शालिनी, प्लीज जरा एक बार फिर से समझाएंगे आप? शुरू से बताइए आपके संबंध के बारे में, राहुल के साथ, शेखर के साथ, जस्ट कम अगेन प्लीज. वेल, ये उन दिनों की बात है जब हम लोग साथ MBA कर रहे थे. शेखर, राहुल और मैं, वी वर वेरी गुड फ्रेंड्स. एटलीस्ट मेरे लिए तो वो लोग दोस्त थे. बट आई गेस बोथ ऑफ देम वर इन लव विद मी. फिर पता नहीं धीरे धीरे मैं शेखर के करीब आ गई. ही वाज क्रेजी अबाउट मी. एक बार उसने अपने हाथ की नस काट कर खुदकुशी करने की कोशिश की थी मेरे लिए. और फिर बस ये सब होने के बाद आई फेल इन लव विथ हिम टू. माई मिस्टेक आई गेस. राहुल ने शेखर और मेरी रिलेशनशिप बहुत अच्छी तरह से एक्सेप्ट कर ली थी. बट शेखर वॉज वेरी इनसिक्योर. उसे लगता था कि राहुल के पास दौलत है, इसीलिए मैं उसे छोड़कर कभी भी राहुल के पास चली जाऊंगी. अच्छा, नासिक जाने के बाद तो वो पूरी तरह से कन्विंस था कि राहुल एंड आई वर इन्वॉल्व्ड. शायद इसीलिए. क्या आपको लगता है शेखर खून कर सकता है? वैसे तो नहीं लगता, बट बिकॉज ऑफ मी इसीलिए. परसों आप शेखर से मिली थी? राहुल और मैं राहुल के होटल रूम में शेखर का बहुत देर तक इंतजार कर रहे थे, लेकिन शेखर नहीं आया और मैं लेट हो रही थी, इसीलिए मैं लेकर गई. राहुल और शेखर का फिल्म देखने का प्रोग्राम था. ये बात तो हमें पता चल चुकी है कि राहुल के मर्डर में शेखर ने किसी की मदद ली है. अकेले नहीं कर सकता ये सब. आप क्या प्लीज बताना चाहेंगी कि वो किसकी मदद ले सकता था? मैं ये सब नहीं जानती हूँ. और कोई खास बात, कोई मिलने आया उससे या किसी का फोन कॉल, कुछ याद आ रहा आपको? नहीं, कोई भी नहीं. देखिए मिस शालिनी, आप शेखर और राहुल के केस में एक बहुत खास गवाह है, ये आप अच्छी तरह से जानती हैं. प्लीज याद कीजिए. और कुछ आप कह सकती हैं? वेल, जस्ट वन मोर थिंग. उस दिन जब राहुल ने शेखर का इंतजार कर रहे थे तो अचानक दो अजीब से लोग कमरे का दरवाजा खोलकर घुस आए थे. दे वर वेरी स्ट्रेंज पीपल. कौन थे वो? कहाँ थे वो? होटल के कमरे में. कौन थे मैं नहीं जानती. बस राहुल और मैं बैठे थे, बातें कर रहे थे कि अचानक कमरे का दरवाजा खुला और अजीब हो तुम भी. यस, किससे मिलना आपको? सॉरी, आप लगता है हम लोग गलत रूम में. इस तरह गलत कमरे में घुसाने का मतलब? सॉरी, बोला मैं. क्या बदतमीजी है, आप लोगों के दरवाजे पे लिखा हुआ नंबर नजर नहीं आता? सॉरी बोला ना एक बार. सॉरी आप. चल, अजीब लोग हैं, जस्ट नो मैनर्स यार. ऐसे ही किसी के भी रूम में आ जाते हैं. कैसी जगह है? दरवाजा भी ठीक से बंद नहीं करके गए. सचमुच अजीब थे वो लोग. शायद शेखर से मिलने आए थे और राहुल और मुझे देखकर घबरा गए. शेखर ने ही बुलाया होगा उन्हें. दे वर वेरी डेंजरस लुकिंग पीपल. क्या आप उन्हें पहचान सकती हैं? हाँ, इस तरह से अचानक घुसाने पर मैंने उन्हें डांटा था. I'll be able to recognize them, yes. विजय, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के फाइल इनको दिखाओ. सारे फोटोग्राफ्स को प्लीज देखिए ध्यान से और पहचानने की कोशिश कीजिए कि वो लोग कौन थे. ये तो खालिद है. He's a contract killer. और 3 बार जेल जा चुका है.
प्रिंट आउट निकालो इसका, होटल जाओ, पता करो कि जो दो लोग आए थे उनमें से कहीं एक ये तो नहीं था। तुमने इस आदमी को इस होटल में आते जाते हुए देखा है? एक मिनट मैडम, ये आदमी रूम नंबर 307 में रहने वाले शेखर जी से मिलने आए थे और वो अपने आप को उनका दोस्त बता रहे थे। थैंक यू, मोस्ट वेलकम। इसे वापस रिकॉर्ड रूम में रखवा दो। सर, रिसेप्शन से बताया कि खालिद किसी एक आदमी के साथ आया था और 307 में जो आदमी ठहरा है उसने उसे अपना दोस्त बताकर वो अंदर चला गया। ऐसी कहानी धीरे धीरे साफ हो रही है। हो सकता है शेखर ने उन दोनों आदमियों को बुलाया हो सकता है। सर, खालिद का फिलहाल कोई घर नहीं, पुराने घर से मकान मालिक ने उसे निकाल दिया है और पूछताछ करने पर यह पता चला है कि वो किसी टोनी नाम के आदमी के साथ रह रहा है उसी के घर। टोनी, टोनी, TONY, टोनी। हो सकता है कि ये दूसरा आदमी टोनी हो। बताएंगे कि आईसी कॉलोनी किधर है? यही है। विंग ये कौन सा होगा? उसके बाजू वाले। थैंक यू वेरी मच। विजय, एक काम करो, तुम मैं और अभी अंदर जाते, ध्यान रखना। राइट। ऐसा एक जो आईसी कॉलोनी टोनी नाम का आदमी रहता है, आप जानते हैं उसे? हाँ, यही ग्राउंड फ्लोर पे रहता है। क्यों? नहीं, कितने सालों से रहता है ये तो मालूम नहीं। कोई लफड़ा हुआ कैसा? नहीं, कोई लफड़ा नहीं। जाओ। नहीं, वहां तो ताला बंद है। ओहो, लगता है चला गया। काम करो, पान वाले से पूछो। सर, ये जो आईसी कॉलोनी में टोनी नाम का आदमी रहता है, जानते हैं आप उसे? आप उसे जानते नहीं है? नहीं, इसीलिए तो पूछ रहे हैं आपसे। अभी आप थोड़ी देर पहले एक आदमी से कुछ बात कर रहे थे ना। कोई पता पूछ रहा था? अरे वही तो टोनी है। लगता है उसे पता चल गया था कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। चलो जल्दी ढूंढो उसे। कच्ची शराब का धंधा करता है और खालिद कुछ दिनों से उसी के साथ रह रहा है। और गाड़ी से भी गाड़ी की रिपोर्ट्स आ गई हैं। पूरी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ये पता चल गया है कि गाड़ी खराब नहीं हुई थी बल्कि जानबूझकर खराब कर दी गई थी। यानी कि सबोटाज। सीधा मतलब यह हुआ कि शेखर ने गाड़ी खराब की या उसने करवाई। शेखर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुका है सर, खालिद का नाम लेकर उससे पूछताछ कर सकते हैं। नहीं नहीं, अभी नहीं, वो इतना कमजोर नहीं है। पहले हमें खालिद और टोनी को पकड़ना होगा, तभी हम उस तक पहुंच सकते हैं। अवनी वर्मा फ्रॉम क्राइम स्क्वाड। यस, राइट, थैंक यू। सर, प्रसाद का फोन था, एवशान नगर में तीनों को देखा गया है। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? लेट्स गो। तलाशा सर, फिर भी कुछ पता नहीं चल रहा। पता चल जाएगा विजय, बहुत जल्द पता चल जाएगा, आज न कल वो हमसे बच।
सर मैं आप ही को ट्राई करेगी। मुझे माफ कर दो साहब। तू? तूने अपने आप को सरेंडर कर दिया है। अब उनको माफ कर दो साहब। साहब उस दिन आपको अपन देखकर इसलिए भाग गया था साहब क्योंकि अपन इलीगल दारू का धंधा करता है ना साहब। लेकिन साहब जिस वक्त पत्नी को पता चला कि आप सेक्टरी के बेटे के मर्डर के चक्कर में अपन को ढूंढता है अपन सीधा इसी तरह आ गया साहब। साहब अपन ने कुछ नहीं किया साहब। अपन बिल्कुल निर्दोष है साहब। हाँ साहब खाली में क्या होगा साहब। साहब वो अपनी खोली में रहता है साहब। अपन ने दया करके साहब उसको रहने के लिए जगह दिया साहब। अपन को क्या मालूम था साहब कि वो मर्डर के चक्कर में अपन को भी लपेट मारेगा साहब। साहब गाइड करो साहब। अपन ने कुछ नहीं किया साहब। शालिनी को बुलवाऊं सर? नहीं अभी नहीं। खालिद किधर है अभी? ये नहीं मालूम साहब। हाँ साहब लेकिन वो अपनी खोली में आता है साहब डेली। आज भी आएगा साहब। कब आएगा? साथ में साहब। भाई इतना अंधेरा क्यों कर रखा है? इतनी जल्दी सो भी गया क्या तू? अबे चल उठना। मैं तो उठ गया लेकिन तुम बैठ गए। फ्रीज। हैंड्स अप। साहब मैंने उसे नहीं मारा साहब, रमेश ने मारा है। मैं उसके साथ जरूर गया था सर लेकिन मैंने उसे नहीं मारा साहब। मैंने सिर्फ लाश ठिकाने लगाने में उसकी मदद की थी। साफ साफ बता मुझे क्या हुआ था उस रात। साहब रमेश ने उस रात मुझे सुनसान जगह पर आने को कहा और जैसे ही मैं वहां पहुंचा तो अबे चल जल्दी डाल उसे अंदर। उसके बाद हमने सब लाश को पहाड़ी से नीचे नदी में डाल दिया। तुम्हें मालूम था वहां एक्सीडेंट हुआ है? नहीं साहब लेकिन रमेश को मालूम था साहब, इसीलिए वो मारने के लिए रॉड लेकर आया था। बोला लाश को नदी में डाल देंगे और लोग समझेंगे कि एक्सीडेंट हुआ है। उसे मारने के लिए किसने कहा तुमसे? साहब वो मालूम नहीं है साहब, रमेश ने ही पैसा लिया था मारने का उसे और मुझे भी वही पैसा दिया। कितना पैसा? सब मुझे 20,000 दिया लेकिन उसे कितना मिला ये नहीं मालूम। वो रॉड कहाँ है जिससे तुमने उसे मारा था? सब वो तो वहीं झाड़ियों में फेंक दिया था। और वो वैन कहाँ है जिसमें लाश ले गए थे? वो रमेश की हिसाब उसी के पास है। रमेश कहाँ है? अभी तो पुणे में है साहब लेकिन कल आ जाएगा। क्या उसे मालूम है पुलिस उसे ढूंढ रही है? नहीं साहब, उसे मालूम है कि एक लड़का पकड़ा गया इसलिए वो बिंदास घूम रहा है। उस लड़के को जानते हो तुम? कभी देखा है रमेश के साथ? नहीं साहब कभी नहीं देखा मैंने। होटल क्यों गए थे तुम? उसे पहचानने के लिए साहब, फोटो नहीं था ना हमारे पास। इस रमेश को तो मैं बाद में देखूंगा। मुझे तुम्हें काम करो, इसके साथ जाओ रॉड ढूंढने की कोशिश करो। रॉड मिल जाता है तो शायद हमारे कोई काम आ जाए। राइट चलो।